जी स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास 4.4। उसकी जो स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक में है कुछ इस तरह है, अ कार ऑफ मास 800 केजी ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, व्हाट हैज हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। जी स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये कि हमारे पास एक कार है, वो उसका जो वेट है सॉरी इसका जो मास है हमारे पास वो है 800 केजी। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रही है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, जबकि उस वो जो डिस्टेंस कवर्ड करती है, डिस्टेंस कवर्ड करने के बाद जो है उसके पास आता है 60 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करती है जब वो रेस्ट में आती है। आफ्टर 60 मीटर जब रेस्ट में आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फाइंड हमने ये करना है कि उसकी जो रिटार्डिंग एवरेज रिटार्डिंग फोर्स है जिसकी वजह से जो है वो रेस्ट में आई है वो मालूम करनी है। नंबर टू हमने मालूम करना है कि उसकी जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी उसके साथ क्या हुआ। सोल्यूशन के अंदर हमने कुछ इस तरह लिखना है, मास ऑफ कार हमने जो है एम से रिप्रेजेंट करना है, 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव करी थी 54 किलोमीटर पर आवर, और हमने 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो किलोमीटर को हमने मीटर में ले जाते हुए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, पर आवर के अंदर 3600 जो है सेकंड्स होते हैं उस पर हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाना है 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ जानी है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो है आप जब उसने आर उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगनी है तो उसने 60 मीटर का जो डिस्टेंस है कवर करने के बाद रेस्ट में आ जाना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस जो है हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार 60 मीटर लेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। टू फाइंड नंबर वन एवरेज रिटार्डिंग फोर्स एफ वो मालूम करनी है, नंबर टू व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी वो चीज मालूम करनी है। फर्स्ट जो है उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू ए एस, एस हमारे पास डिस्टेंस हमने वहां पे डी से रिप्रेजेंट किया है, देयरफॉर यहां पे हमने लिखा है देयरफॉर एस इक्वल डी। सो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 है मीटर पर सेकंड है, 15 लिखेंगे, टू एज इट इज आएगा, ए सबसे पहले हम इसमें मालूम करेंगे और डी जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 60 2 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारे पास 120 आ जाएगा, ये हमारे पास -225 यानी -225 आ जाएगा। यहाँ से हमने ए मालूम करना है स्टूडेंट, तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास -1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आता है, जबकि हमने मालूम करनी है रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बाय यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स एम ए। एम हमारे पास मास ऑफ कार यहाँ पे हमने यूज करना है 800 kg, ए हमने निकाला है -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा -1500 न्यूटन जो है उसकी फोर्स आ जाएगी, ये वो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स होगी जो कि उस बॉडी के ऊपर लगेगी। इसका आंसर आपकी बुक के अंदर भी यही -1500 है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो उसमें से पूछा गया था कि वट हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्टूडेंट जो है वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाएगी, यूज अप हो जाएगी इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन इन दोनों के खिलाफ जो है मेजरली हमें रोड फ्रिक्शन लेनी है, रिटार्डिंग फोर्स जो है रोड फ्रिक्शन की वजह से होगी, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोड फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो है रिटार्डिंग फोर्स के अगेंस्ट जो है वर्क करने में सारी सारी यूटिलाइज हो जाएगी और बॉडी हमारी कम टू रेस्ट यानी कि रेस्ट में आ जाएगी। तो इस तरह जो है स्टूडेंट्स आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, पहले आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन वो मालूम करना है, फिर आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फार्मूला एफ इक्वल्स एम ए वो अपने यूज करना है, और वहां से आपने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो मालूम कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है 4.5। उसकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर स्टेटमेंट है वो इस तरह है, 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द हिल, व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है हमें ये कहा गया है हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है, उसका वेट जो है वो है
1000 kg, वो एक हिल से जो है इंक्लाइन शेप हिल है वहां से जो है वो रोल डाउन करती हुई टूवर्ड्स द ग्राउंड जो है वो आ रही है। उसके ऊपर जो है रिटार्डिंग फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास दी गई है 480 न्यूटन दी गई है, जबकि उसका जो इंक्लाइन पाथ है वो हमारे पास दिया गया है 100 मीटर, जबकि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल टू द ग्राउंड जो है वो हमारे पास है 10 मीटर। ये डायग्रामेटिकली जो है मैंने कुछ यहाँ पे शो किया हुआ है, मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बनाई है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में, इसके ऊपर जो है ये एक ऑटोमोबाइल जो है रोल डाउन होती हुई नीचे को आ रही है, इसने एट पॉइंट ए पे पहुंचना है फ्रॉम पॉइंट बी से स्टार्ट हुई है रेस्ट से। इसके अगर हम जो है इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालें तो हम देख सकते हैं कि इसके सामने जो है जो इसको वो फोर्स जो इसको डाउनवर्ड लेके आएगी वो हमारे पास जो होगी वो होगी mg sin थीटा, जिस वजह से जो है वो फोर्स का कंपोनेंट जो हमारे पास इसका वेट होगा उसका वो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, जिस वजह से ये रोल डाउन करती हुई नीचे को आएगी। जबकि उसका जो दूसरा कंपोनेंट जो है जो इसके रिएक्शन फोर्स जो है इसकी ऊपर को लग रही है आर रिएक्शन फोर्स है, नीचे का जो है वो वेट का कंपोनेंट, इसका वेट जो mg है उस वेट का कंपोनेंट जो है एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा वो होगा हमारे पास mg cos थीटा, जबकि उसका कोई रोल प्ले नहीं है, mg sin थीटा जो है उसका रोल प्ले कर रहा है, जिस वजह से वो गाड़ी जो है रोल डाउन होती हुई नीचे को आ रही है हिल से पॉइंट ए बी से, जबकि फ्रॉम ए टू बी जो है इंक्लाइन पाथ जो है वो दिया गया है 100 मीटर लेंथ ऑफ इंक्लाइन। इसी तरह हाइट ऑफ इंक्लाइन जो है हिल की वो दी गई है 10 मीटर फ्रॉम पॉइंट सी टू बी। ये डायग्रामेटिकली जो है मैंने शो किया हुआ है, गिवन दैट में आपने इस तरह लिखना है मास ऑफ एन ऑटोमोबाइल एम जो है 1000 kg, लेंथ ऑफ इंक्लाइन जो है ये ए बी जो है वो है डी से रिप्रेजेंट किया है मैंने इसे 100 मीटर, हाइट ऑफ इंक्लाइन बी सी से रिप्रेजेंट किया है एच है जो है ये एच है ये हमारे पास जो है और ये हमारे पास डी है, एच जो है हमारे पास 10 मीटर है, जबकि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है स्मॉल एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास है 480 न्यूटन। स्पीड एट द टॉप जो है इनिशियली जो गाड़ी थी ऑटोमोबाइल जो थी वो रेस्ट में थी 0 लिखी गई है, फाइंड क्या करना है टू फाइंड स्पीड एट द बॉटम, जिसे हमने फाइनल स्पीड का नाम देना है वो हमने मालूम करनी है। तो इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कुछ इस तरह करना है, ये डायग्राम आप लोगों को बनानी पड़ेगी सॉल्यूशन के अंदर, वहां से आपने जो है थीटा जो है एंगल ठीक है हमारे पास वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो आप लोगों ने जो है साइन रेशो की फॉर्म में जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन जो है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, हाइपोटेनस हमारे पास ए बी है, ए बी बी सी हमारे पास जो है एच से रिप्रेजेंट किया है, ए बी को हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, एच जो है हमारे पास 10 मीटर है, जबकि ये हमारे पास जो है ए बी हमारे पास जो है इंक्लाइन पाथ जो है स्लोप का वो हमारे पास कितना आ रहा है 1000 है, 10/100 करेंगे कटिंग कर लें 0 से 0 कट हो जाना है 1/10, तो ये हमारे पास साइन थीटा जो है रेशो आ जाएगी 1/10। फॉर्मूला जो उसमें हमने यूज करना है वो हमारे पास फोर्स का वही फोर्स हमारे पास इक्वल होगी एम जी साइन थीटा माइनस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को। दूसरा फार्मूला हमने इसमें यूज करना है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इक्वल्स एम ए, ये भी एफ है, ये दोनों को हमने कंपेयर करना है एम ए इक्वल एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ एम पे, क्या करते हैं आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एम पे इधर भी दोनों तरफ किया ये कट हो जाएगा इसलिए मैंने ये नहीं लिखा, उस तरफ भी मैंने क्या किया है एम से एम को जो क्या किया है कैंसिल किया है, बाकी हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम, जी की वैल्यू 9.8, साइन थीटा हमने निकाला है रेशियो ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल वो हमारे पास आ जाती है 1/10, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 480 न्यूटन थी, मास जो ऑटोमोबाइल था 1000 kg था वो वैल्यू पुट की है, इसको इससे मल्टीप्लाई इस पर डिवाइड करते हैं और माइनस करके उसकी रेशो आंसर निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस करने के बाद कैलकुलेटर पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है 0.5 m/s². हमने निकालनी है फाइनल स्पीड जो कि है स्पीड एट द बॉटम। थर्ड इक्वेशन में मोशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई इक्वल टू ए एस एस को रिप्लेस किया है मैंने डी के साथ, वी आई जो है इनिशियली 0 है 2 एज इट इज, ए हमने निकाला 0.5 m/s² और डी हमारे पास जो है जो पाथ ऑफ इंक्लाइन है लेंथ ऑफ इंक्लाइन 100 मीटर वो हमने 100 लिखा है।
जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता, खत्म हो जाएगा। वी एफ स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाता है 100। हमने वी एफ निकाल लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, जबकि 100 का स्क्वायर रूट हमें पता 10 होता है। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जो है, एट ए पॉइंट जो है हमारे पास होगी, जो गाड़ी जो है इनिशियली रेस्ट पे थी बी पॉइंट के ऊपर, हिली पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है, और जब वो बी ए पॉइंट के ऊपर आई है तो उसकी जो फाइनल स्पीड है वो हमारे पास कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकेंड। आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी जो है आंसर जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही है। ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक चाहिए होता है, और ट्रिक हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम बनानी पड़ती है, और डायग्राम को सॉल्व करके ही हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं।